हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर एपिसोड। आज का ये एपिसोड हम लोग क्या करने वाले हैं, ओप्पो का F25 प्रो को हम लोग अनबॉक्स करेंगे और इसका डिटेल रिव्यू हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात जो है, जो वेरिएंट मैंने जो लिया है इसको, वो है 8GB 128GB वेरिएंट, और जो प्राइस रेंज जो कंपनी ने रखा है वो बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज रखा है कंपनी ने। वो आपको ये फ़ोन जो डिलीवर करने आए वो आपको मिल जाएगा 24,000 रुपीस में, और इसका जो MRP दिया गया है वो 29,000 रुपीस MRP इसमें आपको मिल जाता है। और इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओप्पो का F25 प्रो का यहाँ पे लोगो दिया गया है, और फ्रंट में भी आपको मिल जाता है ओप्पो F25 प्रो का लोगो। और ये फ़ोन का जो बॉक्स है, जैसा ओप्पो का नॉर्मल बॉक्स होता है वैसे ही ये बॉक्स बनाया गया है। पीछे में देख सकते हो आप IMEI नंबर दिया गया है, उससे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे आपको फ़ोन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होता है। चलिए इस फ़ोन को हम लोग अनबॉक्स करते हैं और रिवील करते हैं कि कैसा है फ़ोन 24,000 के रेंज में। आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, और मेरे चैनल को अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर में, ये फोन के अंदर में हम लोग को मिल जाता है बॉक्स, इसके अंदर में हम लोग को मिल जाता है कवर, और कवर के अंदर में मिलता है एक आपको वारंटी कार्ड और मैनुअल, और आपको मिलता है सिम इजेक्टर पिन। तो ये सब को हम लोग साइड में रखते हैं, और फोन जो हम लोग को मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर में, देखिए ये यहाँ पे एक फोन मिलता है, इसको हम साइड में रखेंगे और देखेंगे इस बॉक्स के अंदर में फर्दर हम लोग को क्या चीज मिलता है। फर्दर हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे 67 वाट का एडाप्टर और USB to Type-C केबल। तो ये सब चीज जो है आपको इस बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाता है F25 प्रो के में। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि देखिए ये F25 प्रो जो है ये एक प्लास्टिक से रैप किया गया है, और प्लास्टिक के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का कैमरा, ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे बॉर्डरलेस लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फोन जो है एकदम ब्रेजल्स आपको बहुत कम दिखने को मिलेगा, जैसा कि की पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। और एक चीज यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, 67 वाट का सुपर बॉक चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है, दैट मीन्स ये फोन जो है बहुत ही जल्द चार्ज होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे और एक चीज दिया गया है IP65, दैट मीन्स वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिया गया है दोस्तों, दैट मीन यहाँ पे जल्दी से स्क्रैच होगा नहीं दोस्तों। और ये फोन जो है बहुत ही बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज जो ये फोन आपका, देखिए ऑन द स्क्रीन इसका जो लुक मैंने आपको दिखा दिया है कि ओप्पो का F25 प्रो का जो लुक है, ये है ओप्पो का F25 प्रो का लुक, आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रिपल कैमरा का आपको सेटअप मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे मिल जाता है देखिए एक 5-hole डिस्प्ले का सेटअप देख सकते हो। अब मैं ऑन कर लेता हूँ इस फोन को तो आपको देखने में आसानी होगा, और ये ओप्पो का लोगो आपको मिल जाता है दोस्तों। तो ये है फोन 6.7 इंच का डिस्प्ले वाला फोन, और ये फोन का रेट जो है कंपनी रखा गया है वो 24,000 रुपीस में आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा में जो है फ्रंट और बैक में आपको 4K रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स आपको हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। आप फ्रंट में लीजिए या तो बैक में आपको हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज बहुत ही अच्छा दिया गया, यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये जो है बॉर्डरलेस बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ब्रिटल्स देखने को नहीं मिलेगा, और 24,000 का रेंज में ये फोन आपके लिए बहुत ही सुटेबल होगा अगर आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज जो मैं दिखाऊंगा, ये फोन जो है देखिए ये बहुत ही थिन फोन बनाया गया है, और इसका जो वेट जो दिया गया है वो है 177 ग्राम्स का, ये फोन है बहुत लाइट वेट फोन है। यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाता है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए अगर आप लोग जैसा कि ये फोन को आप यूज कर रहे हो, कोई भी एप्स को आप सिलेक्ट करते हो, ये देख सकते हो इसको बैक कीजिए, कोई भी ऐसा कर सकते हो कुछ भी आप जैसा कि सिलेक्ट किए हो इसको बैक किए, तो ये सब जो चीज है आपको रिफ्रेश रेट में 120 हर्ट्ज अगर दिया गया है तो आप बहुत ही फास्ट आप इसको कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी आप बहुत फास्ट यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। और एक चीज जो है इस फोन में दिखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पे ग्लास फ्रंट देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक फ्रेम है और प्लास्टिक बैक साइड दिया गया है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसा कि ये लाइट वेट है, लेकिन आपको यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी बैकअप दिया गया है, दैट मीन्स एक दिन फुल्ली आप इस फोन को यूज कर सकते हो। और 25,000 का रेंज में मुझे नहीं लगता कि ये फोन का तरह आपको कोई दूसरा कंपनी आपको ये फोन के तरह जैसा स्पेसिफिकेशन दिया गया है वैसा
दूसरा कंपनी दे रहा है। फोन में जितना भी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया है, तो अगर आपको चेक करने का मन है तो यहाँ पे इस फोन में देखिए, अगर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट फोन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि डिवाइस नेम देखिए ओप्पो का F25 Pro 5G लिखा हुआ है। स्टोरेज यहाँ पे दिया है 128GB और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर लिखा हुआ है। प्रोसेसर जो दिया गया है मीडियाटेक का, यहाँ पे डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी जो दिया गया है 5000mAh का बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्क्रीन साइज जो दिया गया है 17.02 6.67 inch का स्क्रीन साइज आपको डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे 8+8 रैम, दैट मीन्स 8GB रैम ऑलरेडी दिया हुआ है और प्लस वर्चुअल रैम आपको यहाँ पे मिल जाता है, दैट मीन्स 16GB रैम आपको F25 Pro में आपको मिल जाता है दोस्तों। और फ्रंट में देखिए आपको 32 MP का कैमरा मिलता है और बैक में ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है 64+8+2, दैट मीन्स वाइडर रेंज और माइक्रो लेंस के लिए भी आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है। एंड्रॉयड वर्जन जो दिया गया है वो है Android 14, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और आपको बहुत कुछ यहाँ पे जो स्पेशलिटी जो दिया गया है यहाँ पे अबाउट फोन में अगर आप चाहते हो तो आपको मिल जाता है। तो F25 Pro आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। ऐसे ही मैं डिटेल अनबॉक्सिंग करता रहूँगा और डिटेल्स में आपको रिव्यू देते रहूँगा कोई भी फ़ोन का, और नया नया वीडियोस में बनाते रहूँगा। तो आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल में ऐसे ही वीडियोस देखते रहिएगा। चलते हैं, सब बखैर, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में। टिल देन अलविदा।